Assalamu alaikum. Welcome to online classes of Fashion Design School. Class 6, I'm your science subject teacher, Sadaf Zaman, and today we are going to start our 20th lecture. And for this we need our textbook, Factual 1. Today's topic of discussion in chapter 2, Life and Living Things, will be sense organs, means tongue and nose. हम जो हैं इनको basically जो है वो discuss करेंगे आज के lecture में. So, learning objectives, at the end of this lesson, you students will be able to learn that taste buds are sensitive to four basic tastes. There are bitter, salty, sour and sweet. Nose contains nerve cells that are sensitive to chemicals in the air. सही, तो आपको जो है ये पता चलेगा कि हमारे जो टेस्ट, हम जो टेस्ट करते हैं ना चीज़ें, तो बेसिकली हमारी जो टंग है उसमें क्या पाए जाते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं. और वो टेस्ट बर्ड जो हैं चार तरह के टेस्ट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. और वो टेस्ट कौन से हैं, बिटर, सॉल्टी, सोर एंड स्वीट. नोज जो है उसमें भी नर्व सेल्स पाई जाती हैं जो कि एयर में मौजूद केमिकल से बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं. सही, ओके, लेट्स स्टार्ट. टंग, योर टंग हैज़ टेस्ट बर्ड इन बिटवीन द रिजेस. हमारी जो टंग है ना, ये इसकी बात हो रही है कि इसमें जो है रिजेस के दरमियान में क्या पाए जाते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं. दीज टेस्ट बर्ड्स आर सेंसिटिव टू फोर बेसिक टेस्ट. ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना, वो चार तरह के टेस्ट जो हैं, बेसिक टेस्ट, उनसे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. वो क्या है, बिटर, सॉल्टी, सोर एंड स्वीट. बिटर से क्या मुराद है, जो तुर्श होता है ना उसकी बात हो रही है. सॉल्टी कहते हैं नमक तुर्श, यानी बहुत ज़्यादा जो सख्त जायका होता है ना उसकी बात है. सॉल्टी कहते हैं नमकीन को, जो सॉल्ट खट्टा जो होता है, और स्वीट मीठा. इन चार तरह के जो जायके हैं ना, ये चार तरह के जायके, इनसे जो हमारे टेस्ट बर्ड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, फ़ौरन से इनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं. नर्व सेल्स इन द टेस्ट बर्ड्स सेंड सिग्नल टू द ब्रेन. सो ये हमारे जो टेस्ट बर्ड्स में मौजूद नर्व सेल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ब्रेन को सेपोर्ट से सिग्नल सेंड करते हैं. और फिर ब्रेन क्या करता है, इंटरप्रीट्स दैम एज टेस्ट. और उन जो ये टेस्ट होते हैं ना, इनको फ़ौरन से जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये क्या है, असल में टेस्ट हैं जो सेंस किए हैं. सही है, आपके टेस्ट बर्ड्स हैं, ये बताता है ब्रेन आपको. ऑल दो दीज टेस्ट कैन बी डिटेक्टेड ऑल ओवर द टंग. अगरचे ये बात सही है कि हमारे जो ज़बान है ना, उसमें जो टेस्ट है वो पूरी की पूरी ज़ुबान जो है वो डिटेक्ट कर सकती है फ़ौरन से. साइंटिस्ट हैव शोन दैट डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग आर मोर सेंसिटिव टू सर्टेन टेस्ट दैन अदर्स. तो साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने ये बताया कि कुछ एरियाज जो होते हैं ना, कुछ एरिया जो है ज़ुबान का, वो कुछ टेस्ट, जो कुछ तरह के टेस्ट होते हैं ना, उनको ज़्यादा सेंसिटिव होता है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी एरिया होता है ज़ुबान का. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कह लो कि ये वाला एरिया जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा टेस्ट के बनस्बत इस वाले एरिया के. सही, यानी यहाँ पे अगर जैसे ही टेस्ट लगा ना, तो इसने फ़ौरन से डिटेक्ट किया, जो यहाँ पर टेस्ट लगने के बजाय यहाँ पर फ़ौरन पहले डिटेक्ट हुआ. सही, अब आपको बताती चलूँ कि स्पाइसी जो हम कहते हैं ना कि यार खाना स्पाइसी होना चाहिए या ये सब, तो स्पाइसी जो है वो एक टेस्ट नहीं है. सही है, बल्कि स्पाइसीनेस इज़ इन फैक्ट अ फॉर्म ऑफ पेन सेंसेशन. स्पाइसीनेस जो होती है ना, जिसे हम कहते हैं कि स्पाइसी होना ये सब ना, स्पाइसीनेस जो है वो असल में पेन सेंसेशन को कहते हैं, कि जो पेन होता है ना, तो उसको, उसका नाम क्या है आपके पास, स्पाइसीनेस कहलाता है. स्पाइसी जो है एक जायका नहीं है, बल्कि पेन सेंसेशन की एक फॉर्म जो है ना, वो आपके पास क्या कहलाती है, स्पाइसीनेस कहलाती है. सही है, तो ये बात याद रखिएगा कि पेन सेंसेशन की जो एक फॉर्म होती है, यानी एक सूरत पेन की, वो आपके पास क्या कहलाती है, स्पाइसीनेस भी कहलाती है. ओके, नाउ नोज, योर नोज कंटेन्स नर्व सेल दैट आर सेंसिटिव टू केमिकल्स इन द एयर. हमारी जो नोज होती है ना, उसमें क्या पाए जाते हैं, नर्व सेल्स होते हैं. और वो नर्व सेल्स जो होते हैं ना, एयर में मौजूद जो केमिकल्स होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. अब क्या होता है, व्हेन यू ब्रीद इन थ्रू योर नोज, जब हम सांस के जरिए, सॉरी नाक के जरिए सांस लेते हैं ना अंदर की तरफ, तो दीज केमिकल डिजॉल्व इन द थिन फिल्म ऑफ वाटर दैट कवर्स द इनसाइड. तो ये जो केमिकल्स होते हैं ना, वो ना एक वाटर की थिन फिल्म की फॉर्म में क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, और अंदर जाके हमारे जो अंदर का एरिया, तो उसे क्या करना शुरू कर देते हैं, कवर करते हैं. सही, अब इसने कवर किया, अब क्या होता है, द डिजॉल्व केमिकल्स आर डिटेक्टेड बाय नर्व सेल्स. अब वो जो डिजॉल्व केमिकल्स होते हैं ना, उनको कौन डिटेक्ट करता है, नर्व सेल्स डिटेक्ट कर लेते हैं.
और फिर ये क्या करते हैं, विच सेंड सिग्नल टू द ब्रेन, फिर ये नर्व सेल्स क्या करते हैं, ब्रेन तक सिग्नल्स पहुंचाते हैं, सही, और फिर ब्रेन जो है वो उनको एज अ स्मेल इंटरप्रीट कर लेता है, यानी उन सिग्नल्स को फौरन से इंटरप्रीट करता है कि आया जो आपने अभी अभी सूंघा है ना वो क्या है, स्मेल है, सही। तो ये इस तरह से ब्रेन जो है वो इंटरप्रीट करता है नोज के ज़रिए जो सिग्नल्स पहुँचते हैं ब्रेन तक। Did you know flares are smell? That's why you do not taste your food so well if cold blocks your nose. अब ये बात बताती चलूँ कि हमारे हम जो कहते हैं ना flavor, तो flavor जो होते हैं ना वो basically क्या होते हैं, smell होती है, खुशबू, यानी एक तरह की smell कह लो, किसी भी तरह की खुशबू को कहते हैं। और इसीलिए जब हमारी नाक बंद हो जाती है ना जुकाम वगैरह की वजह से, तो फिर हमें जो खाने के जायके होते हैं ना वो भी हम सही से टेस्ट नहीं कर पा रहे, तो हमें ना ही जायका आता है, तो इसलिए हम कहते हैं flavors जो है ना वो क्या होते हैं, असल में स्मेल होते हैं, सही। There are about 9,000 taste buds on your tongue. हमारी ज़ुबान पर टोटल कितने taste buds हैं, 9,000 है, और 20 million smell cells होते हैं हर नाक में, यानी हर nose में कितने smell cells हैं, 20 million, ये बात याद रखिएगा, सही। Okay, homework देख लेते हैं। You have to read chapter 2, Life and Living Things, page number 28, thoroughly, सही, बहुत अच्छे से इसे read कीजिएगा। Also write question number 1 to 5 of topic skin. Skin topic जो उसके question number 1 से लेके 5 तक आपको homework file में दिया जाएगा, so you have to write this in your register, science register, chapter life and living things. से life and living things के question number 1 से लेके 5 तक के जो questions हैं skin topic के, वो आपने अपनी copy में करने हैं, ठीक है। मिलते हैं next lecture में इंशाल्लाह, जल्द आपसे फिर दोबारा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।